को है, काउंटिंग 23/12/2019 को होगी और ये पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो समाप्त 26/12/2019 को मानी जाएगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरे जिले में लागू होगी। 64 जिले में थे जिसके अगेंस्ट वर्तमान विधानसभा चुनाव में कुल 428 बूथों पे इलेक्शन होंगे, जिसमें से कि 324 बूथ जो है वो 72 लोहरदगा के हैं एवं 104 बूथ जो है 69 बिशुनपुर पार्ट के हैं। जिले में कुल अभी 240,401 मतदाता हैं, जिसमें से 122,825 मतदाता जो है वो मेल हैं, 117,576 मतदाता फीमेल हैं। आदर्श आचार संहिता के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एवं विभिन्न प्रकार की मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर संबंधित मॉनिटरिंग के लिए जिले में FST, SST, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम्स, अकाउंटिंग टीम्स एवं असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, जिसमें से कि कुल 4 लोकेशंस में 3 शिफ्ट्स के हिसाब से 12 SST टीम्स हैं। कुल 5 लोकेशंस के लिए FST टीम, जिसमें से 3 की 72 लोहरदगा के लिए और 2 FST टीम्स जो हैं वो 69 बिशुनपुर के लिए हैं। कुल 15 टीमें बनाई गई हैं फ्लाइंग स्क्वाड शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए। जिले में 4 SST की टीम और 5 जो है FST की टीम जो है वो बनाई गई है, जो कि 24 आवर जो है वो लगातार काम करेगी। और हम लोग मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए जो रिसीट लीकर है उसके अगेंस्ट हम लोग का जो है जो अभियान है वो लगातार चलेगा, मतलब। और साथ में जो रिस्पॉन्डर्स हैं या जो फिर जो वारंटीज जो हैं तो उनके लिए भी हम लोग अभियान चला करके उसको लंबित वारंटियों की संख्या जो है हम लोग शून्य के लिए आएंगे। और साथ में हम लोगों ने स्कूल इलेक्शन करवाने के लिए सेंसिटिविटी को फाइलिंग करते हुए बूथों का आइडेंटिफाई किया है और उसके बेसिस पे जो है पर्याप्त मात्रा में हर जगह सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जो है लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी जो है विधानसभा का चुनाव फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें जो शिविर प्रेस प्रश्न से मतलब उनसे हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते हैं।